नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। मैं जेपी शर्मा। बजरी को आज विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया और सदन के बाहर भी। सवाल तो भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल ने लगाया था, सवाल को स्थगित किया गया तो कांग्रेस ने मुद्दा पकड़ लिया। चूंकि कांग्रेस ने आज इस मुद्दे पर विधानसभा का घेराव किया था, सो उसके लिए ये बिल्ली के भाग का छींका टूटना जैसा था। कांग्रेस ने हंगामा किया, वॉकआउट किया। सरकार की तरफ से इस मामले में कहा गया कि प्रश्न को निरस्त नहीं किया गया है, स्थगित हुआ है, प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या बजरी बुनियादी मुद्दा हो सकता है? क्या बजरी को बुनियादी मुद्दा बनाने की कांग्रेस की यह कोशिश रंग ला पाएगी? महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दों के बीच क्या बजरी आम आदमी का मुद्दा हो सकता है? जवाब हाँ में भी हैं और नहीं में भी हैं। हाँ कितना सही है और नहीं कितना सही है, आज पैन डिबेट में इसी पर बहस होगी। पहले चर्चा के बिंदु। विधानसभा के अंदर बाहर छाया रहा बजरी का मुद्दा। भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल ने लगाया था सवाल। बजरी खनन से जुड़े पहलुओं पर थे सवाल। प्रश्नकाल में इस सवाल को स्थगित करने से कांग्रेस को मिला मौका। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाकर किया जोरदार हंगामा। सदन के बाहर भी इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। उपचुनाव में भी कांग्रेस ने बजरी को बनाया था मुद्दा। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ मोहन सिंह भाटी साहब हैं, कांग्रेस के विधायक। अमीन शर्मा जी ट्रक बजरी ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और ज्ञानचंद पारख साहब हैं, भाजपा के विधायक। भाटी जी, क्या शिकवा शिकायत है आपके? बजरी के मुद्दे पर खूब गरजे हैं आप आज सदन के अंदर और बाहर। देखिए, आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्रीमान प्रहलाद जी गुंजल के द्वारा प्रदेश में हो रहे बजरी के अवैध खनन और उसके साथ साथ बजरी पर जो माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है और उस रोक की वजह से बजरी आज आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है, इस मुद्दे पर प्रश्न लगाया गया था और प्रश्न इस पुस्तिका में छप भी गया था और उसके बाद सरकार के द्वारा और सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से इस प्रश्न को स्थगित करवाया, तय करके स्थगित करवाया गया जी। तो हमारा ये मुद्दा था, हमारी ये मांग थी कि राजस्थान का आम आदमी चाहे गरीब है, चाहे मध्यम वर्ग का है, चाहे अमीर है, वो कोई भी अपना घर या आशियाना बनाना चाहता है तो उसमें सबसे पहले बजरी की आवश्यकता होती है। और आज बचने की कोशिश की, टाल दिया गया और माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से इस प्रश्न को स्थगित करवाया गया। सरकार इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर जिस प्रकार से भाग रही है, जिस प्रकार का सरकार का आम आदमी जवाब ले रहे हैं, रिस्पॉन्ड करिए पारक साहब। ये जो इसमें बिंदु उठाए थे प्रहलाद गुंजल ने कि वन क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों से बजरी निकासी लंबे समय से प्रतिबंधित है और उसके कारण सरकार की कितनी राशि की निर्माण योजनाएं लंबित हैं, प्रदेश की सरकारी योजनाओं पर प्रतिबंध के कारण कितना वित्तीय भार पड़ रहा है, अतिरिक्त वित्तीय भार, प्रतिबंध के कारण निर्माण योजनाओं पर निर्धारित राशि की सीमा बढ़ गई है क्या, प्रतिबंध के बाद सरकारी कर्मचारी अधिकारी पुलिस और बजरी माफिया के संरक्षण में चोरी छुपे बजरी निकाल रहे हैं, इसमें लिप्त कर्मचारियों माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, कितने वाहन पकड़े वगैरह वगैरह, ये सब जानकारी जुटाना बहुत ही लेंथी प्रोसेस है जिसमें राजनीति कर रहे हैं बजरी के मुद्दे पर। माफ कीजिएगा बहुत सिंह भाटी साहब। देखिए बजरी का जो बेहतर बता पाएंगे नवीन जी, असलियत क्या है बजरी की और असलियत क्या है बजरी से जुड़ी सियासत की? सर, असलियत जहां तक सवाल है, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जुड़ा हूँ उस मैटर से जी। आपको बता दूं ये दोनों विधायक लोग बैठे हैं दोनों पार्टियों से जी। लेकिन जो भी बातें कर रहे हैं सियासी बातें हो रही है। सच्चाई ये है कि बजरी जो बंद हुई थी फर्स्ट टाइम 21 अगस्त 2013 को राजस्थान हाईकोर्ट ने नेचर क्लब वर्सेज स्टेट एंड अदर्स के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो 27/2/2012 के आदेश थे उनकी गाइडलाइन में राजस्थान हाई कोर्ट ने 21/10/2013 को राजस्थान में बजरी माइनिंग बंद की जी। ठीक है जी। उसके बाद मेरे द्वारा नवीन शर्मा व राज्य सरकार द्वारा एक SLP सर्वोच्च न्यायालय में फाइल की गई थी जिसके अंदर 29 अक्टूबर 2013 को फाइल हुई थी। उसके बाद में उसमें 25 नवंबर 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिए थे कि जो
बिया से लीज धारक जिन्होंने एनवायरमेंट के लिए सर्वोच्च न्यायालय सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड वन फॉरेस्ट मंत्रालय में जो अप्लाई कर चुके हैं उनके द्वारा राजस्थान की जो स्थिति उस समय भी हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थिति बताई थी कि हमारे लगभग 25-30 लाख लोग बेरोजगार हो गए और हैंड टू माउथ की स्थिति आ गई राजस्थान में जिस तरीके से एकदम से राजस्थान हाईकोर्ट ने बजरी बंद की है तो उसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय अपने ही 27/2/2012 के आदेश में लिबर्टी देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि जो बीएससी लीज धारक जो एनवायरमेंट के लिए अप्लाई कर चुके हैं जिनकी अभी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं आई है उनसे माइनिंग रूल्स को फॉलो कराते हुए राजस्थान में अस्थायी तौर पर माइनिंग चालू कराई जाए। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने 13 दिसंबर 2014 को 13 को हम जाकर के मिले थे उस टाइम वसुंधरा जी की सरकार बन चुकी थी उन्होंने 16 तारीख को जब मिले उन्होंने 20 दिसंबर से राजस्थान में अस्थायी तौर पर सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन में बजरी माइनिंग चालू करा दी ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में बदस्तूर बजरी चलती रही उसमें नेक्स्ट हियरिंग 27 मार्च 2014 को हुई थी जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा टिल नेक्स्ट हियरिंग नेक्स्ट डेट फर्दर ये ऑर्डर्स अप्लाई रहेंगे। उसके बाद भी ये हमारे उसमें ड्यू कोर्स में फाइल जा चुकी थी और ये हियरिंग पे आई नहीं थी। अभी कोई हमारे राजस्थान के महानुभाव थे जिन्होंने राजस्थान की जो प्रदेश में जो एक नियमित बजरी एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रही थी उसको चैलेंज करते फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो एसएलपी के नोटिस राजस्थान गवर्नमेंट को इशू किए जो हमारी वो उस टाइम के जो टेम्प्रेरी ऑर्डर थे उस फाइल को उन्होंने वापस क्लब होकर के अभी 16 नवंबर को उन्होंने इस माइनिंग की जो इन्होंने अभी तक एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लाया उसको गंभीरता से लिया कि राजस्थान सरकार 4 साल तक कहां सो रही थी। हमने 4 साल पहले जो अस्थायी ऑर्डर दिए थे उसको ये भूल चुके थे। इन्होंने खाली एक टेंडर एक रॉयल्टी ठेके करना रेवेन्यू कलेक्शन इनका टारगेट बन गया था। तो इसका मतलब ये है नवीन जी कि कांग्रेस की सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान बेतरतीब तरीके से बजरी जैसे खनन हो रहा था वैसे होता रहा तब तक जब तक की कोई एक एनजीओ एक विसल ब्लोअर प्राइवेट पार्टी हाई कोर्ट में नहीं पहुंची और इससे उसने कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप नहीं मांगा और उसके बाद में इन 4 सालों में भाजपा सरकार के 4 सालों में भी इसलिए बजरी का खनन होता रहा चूंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में टाइम लगा। मैं आपको मैं निवेदन करूंगा बीच में बात काटूंगा आपकी मैं कांग्रेस के टाइम पे लीज सिस्टम था ही नहीं। कांग्रेस के टाइम पे ओनली रॉयल्टी कलेक्शन का सिस्टम था। मैंने कहा बेतरतीब तरीके से नीचे निर्धारित नहीं थी उस समय फ्री हैंड था कोई भी जाओ नदी में बजरी भरो बाहर आओ रॉयल्टी दे और आए। लेकिन 27/2/2012 की जो ऑर्डर थे सुप्रीम कोर्ट के उस गाइडलाइन में कांग्रेस सरकार के टाइम ही लीजें बन चुकी थी और वो अप्लाई कर चुके थे। लेकिन सवाल ये है मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उस चीज को आप गंभीरता से सुनना दोनों पक्षों के दोनों कांग्रेस बीजेपी के विधायक लोग यहाँ मौजूद है। मैं बताना चाहूंगा कि जब 2015 के अंदर सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होकर के स्टेट से सबके जितने बीएससी लीज होल्डर्स थे उनके केस रिकमेंड होके एमओईएफ जा चुके थे फिर 2015 से लेकर के 2016 अक्टूबर तक वहां पे क्या किया जा रहा था उन पे पेंडिंग क्यों रखा गया और 2016 अक्टूबर में एक ऑर्डर आया एमओईएफ के द्वारा कि जब तक रिप्लेसमेंट स्टडी नहीं आएगी जब तक इनको क्या नाम से हम एनओसी नहीं देंगे। जबकि मैं आपको बता दूं उससे पहले अदर स्टेट्स में जितने भी एनओसी दी गई है उनके अंदर ये कंडीशन रही है कि एनओसी देने के 2 साल के अंदर रिप्लेसमेंट स्टडी आती है। लेकिन राजस्थान के लिए स्पेशली जबकि भाजपा सरकार वहां है भाजपा सरकार राजस्थान में उसके बावजूद 1 साल तक रिकमेंड केसों को पटके रख करके 1 साल बाद में ये कंडीशन स्पेशल लगा करके क्यों दी लगाई गई। दूसरी बात सिर्फ कंडीशन क्यों लगी 2016 में ऑर्डर आ चुके थे तो सरकार कहां सो रही थी 2017 दिसंबर तक कि इनकी रिप्लेसमेंट स्टडी पिछले महीने 19 लीजों की गई है। तो अब तक सरकार अगर वास्तव में इस मुद्दे को लेकर गंभीर होती कि कल वापस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अस्थायी अनुमति दी हुई है वो बंद हो गई तो राजस्थान प्रदेश के मजदूर वर्ग ट्रक ऑपरेटर्स और व्यवसायियों के बिल्डरों का क्या हाल होगा उसका कौन जिम्मेदार है। तीसरी चीज मैं एक और कहना चाहूंगा कि जो एसटीपी अभी सरकार ने अभी आपके वहां पे क्या नाम से ये आपकी सॉरी बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी चालू हुई है उसके लिए इन्होंने जालौर बाड़मेर के अंदर एसटीपी जारी की जिन पे माइनिंग चालू हो चुकी है और सरकारी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। सरकारी प्रोजेक्ट के लिए तो सरकार को इतनी चिंता है जिस जनता ने जिस गरीब मजदूर वर्ग ने जिन्होंने लगा इनको जिता करके आज सरकार में बिठाया क्या एसटीपी जैसी व्यवस्था इमरजेंसी इनके लिए नहीं थी क्या कब तक बैठे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल अगर चालू नहीं की बजरी 23 तारीख को दोनों संभावना है मैं पिटिशनर हूं मुझे पता है मुझे
जितना इस चीज का ज्ञान है शायद दोनों विधायक महोदय को भी नहीं होगा कि अगर 23 तारीख को बजरी चालू नहीं हुई तो ये मुद्दा इतना अलग जाएगा कि शायद भविष्य में जल्दी बजरी राजस्थान में चालू नहीं हो पाएगी। अब इसके सियासी पहलू पर अगर बात करें शर्मा जी, जो मैंने शुरू में कहा था क्या एक बुनियादी मुद्दा ये हो सकता है, ये सवाल इसलिए उठ जाता है जो मैंने बीच में कहा कि कांग्रेस ने क्या इस बात का इंतजार किया कि विधानसभा का सत्र होगा तब प्रहलाद बुनिया इस सवाल को लगाएंगे, वो सवाल स्थगित होगा तो हम बजरी का मुद्दा उठा देंगे, इसको आम जन का मुद्दा बना करके हम इस मुद्दे का सियासी लाभ लेंगे। 13 तक का समय उनके पास था, तब तक कोई पॉलिसी अगर बन गई होती कोर्ट के मुताबिक तो ये नौबत आती ही नहीं। महेश शर्मा जी,